और अहम जानकारी से करते हैं शुरुआत, जहां पर मध्य प्रदेश में अब बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होंगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। जो यहां मध्य प्रदेश में रद्द हो सकती है बोर्ड परीक्षा, ये बड़ी खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले छात्र हित में होगा फैसला, सीएम के साथ बैठक में होगा यह फैसला। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र रद्द कर चुका है 12वीं बोर्ड की परीक्षा, मध्य प्रदेश में रद्द हो सकती है बोर्ड की परीक्षा, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रही है। मध्य प्रदेश में रद्द हो सकती है बोर्ड की परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले कि बच्चों के हितों में होगा फैसला, सीएम के साथ बैठक में होगा फैसला, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में रद्द हो सकती है बोर्ड की परीक्षा, और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा मंत्री बोले छात्र हित में होगा ये फैसला, सीएम के साथ बैठक में होगा फैसला, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र रद्द कर चुका है 12वीं बोर्ड की परीक्षा, और वही केंद्र के बाद मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे लेकर इंडिया न्यूज ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से खास चर्चा की, सुनिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक असमंजस की स्थिति मध्यप्रदेश के 12वीं के बच्चों के मन में, एक ये भी डर सता रहा है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। आप भी कुछ देर बाद बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई की जो 12वीं 12th की एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, तो मध्यप्रदेश के लिए क्या डिसीजन सरकार लेगी? भारत सरकार ने समग्र देश की परिस्थितियों को देखते हुए 12वीं की जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं स्थगित करने का निर्णय किया है, क्योंकि उनको पूरे देश के हर राज्यों के बारे में विचार करना होता है, और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, इसलिए उस निर्णय का सबने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों के जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जहाँ तक रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में हम कई विकल्पों पर लंबे समय से विचार कर रहे थे। हमारी पूरी तैयारी थी कि भाई हम परीक्षाओं का किस विकल्प पर हम विचार करें और परीक्षा किस प्रकार से आयोजित करें, लेकिन क्योंकि भारत सरकार की ये निर्णय हुआ है, इसको के भी आगे के कुल मिलाकर जो सारे विकल्प है उनमें इसको भी रख के हम विचार कर रहे हैं। ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से भी क्या परीक्षा हो सकती है या कैंसिल किया? ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के पास साधन है, वहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के अभी भी मेरे ख्याल से 50% बच्चों के पास कोई साधन नहीं है, उनको कहीं ना कहीं स्कूलों में आना पड़ेगा, और स्कूल में जब आएंगे तो वो वही भीड़ वाली स्थिति बनेगी, कोरोना का तो डर वहाँ भी रहेगा। ओपन बुक का भी हमको बुक तो देनी ही पड़ेगी, उनको हम प्रश्न पत्र तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कई राज्यों ने कहा भाई हम ऑनलाइन उनको प्रश्न पत्र उपलब्ध करा देंगे, लेकिन सब बच्चों के पास और सरकारी व्यवस्था वाले बच्चों के पास सबके पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको स्कूल में तो आना पड़ ही रहा है, इसलिए ये कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, इसलिए अच्छे विषय क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम निर्णय करें। मुख्यमंत्री जी से आज आपकी मुलाकात है, तो देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि सीबीएसई के बाद मध्यप्रदेश भी की सरकार भी जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा रद्द कर सकती है। अब देखते हैं, अभी विचार करें, सब विभाग से विचार करेंगे, तैयारी करके जो बेस्ट होगा वो निर्णय करेंगे, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेंगे, सबसे अच्छा निर्णय करेंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय किया और सभी राज्यों ने लगभग आज की परिस्थिति में निर्णय की सराहना की है, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और अभिभावकों में भी हम अनिश्चितता का जो माहौल है उसको समाप्त करने का ही निर्णय करेंगे। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यही कहना है कि बच्चों की सुरक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई 12th की जो 12वीं की परीक्षा है वो रद्द की गई है, तो अब मध्यप्रदेश में भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 12th की परीक्षा जो है वो रद्द की जाएगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज।